ये बैग उठा दे। देखिए जिस प्रकार से दादू पर नलवी नहर का नाम ले लेके बहुत सारे नेताओं ने अपनी सरकारें बनाई, राजनीतिक रोटियां सेकी, कौन सा नेता है जिसे 1985 से लेकर के टिल टाइम तक सरकार बनाने में और सरकार चलाने में मौका नहीं मिला, चाहे वो भजन लाल रहा, चाहे वो बंसीलाल रहा, चाहे ओम प्रकाश चौटाला रहे और चाहे आजकल भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे। कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 5 साल, हर एक नेता को इस दादू पर नलवी से सरकार तो मिली लेकिन किसानों को पानी नहीं मिला। आज ये कह करके कैग की रिपोर्ट लगा करके सरकार ने इसको बंद करने का प्रयास कर दिया कि इससे तो पानी कभी जा नहीं सकता और किसानों को उनकी जमीन लौटा दी जाएगी, उनसे मुआवजा जो उनको दिया गया था वो पैसे वापस ले लिए जाएंगे। जितने दिन तक सरकार में इस नहर के लिए जमीन वेस्ट रखी उतने दिन तक किसानों को अपनी खेती से महरूम रहना पड़ा, उसकी आमदन से, अपनी जमीन की आमदन से महरूम रहना पड़ा। उस पैसे से किसानों ने अपने बच्चे पालने थे, मजदूरी मेहनत करनी थी, वो तो इंटरेस्ट के साथ पैसे मांग लिए। उस जमीन के जो ठेके मिलने थे या जमीन से आमदन होनी थी उसका इंटरेस्ट कितना बनेगा ये एक हिसाब का मैटर है, लेकिन इस क्षेत्र के लिए अगर ये सिंचाई करने में सक्षम नहीं है नहर, तो कम से कम इस नहर में पानी छोड़ करके इस क्षेत्र का वाटर लेवल, जल स्तर तो बढ़ाया जा सकता है और जितने खेती को पानी की जरूरत पड़ेगी, जितना खेतों में पानी जा सकेगा उतना चला जाएगा। लेकिन आज यहां पर ट्यूबवेल लगाने से लोग महरूम हो जाएंगे डार्क जोन की वजह से और इसका जल स्तर जमीन का, क्योंकि ये ऊंचाई वाला क्षेत्र है और इसमें जो है ना लोग उजड़ जाएंगे अगर ट्यूबवेल भी नहीं लगा सकेंगे। तो हमारा मानना यह है कि अगर 2019 के बाद हमें मौका मिला तो हम इसको पुनर्जीवित करेंगे और किसानों की इस जीवन दायिनी रेखा को हम पुनर्निर्माण का प्रयास करेंगे। लेकिन जो लोग आज किसानों के सामने बैठ करके मगरमच्छ के आंसू बहा करके किसानों के हितैषी बनने का जो आज नहर के निर्माण की ढोंग रच रहे हैं, इन लोगों ने दो दो बार ये सिर्फ और सिर्फ किसानों को रिझा रहे हैं, लोगों को मूर्ख समझ रहे हैं। ये किसानों को मूर्ख ना समझे और जनता को मूर्ख ना समझे। तो ये इस नहर को बनाने का पर मामला भी तुगलकी कहा जा सकता है और बंद करने का भी मामला तुगलकी फरमान कहा जा सकता है। देखिए वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए हमने बहुत सारे प्रयास पहले भी कर रखे हैं। इस नहर के चौगिरदे पटड़ियों के ऊपर कई जगह सड़कें बन चुकी हैं, उसके ऊपर बहुत पैसा खर्च हो गया। आज किसान के पास से अगर वो मुआवजा हम 15% इंटरेस्ट के साथ वापिस लेंगे तो किसान का तो इतना पैसा उसको वापिस करना पड़ेगा इतने की वो जमीन नहीं है। लेकिन अगर उसके हिसाब से, उस पैसे के हिसाब से, उसके चकोते के पैसे काट करके विद इंटरेस्ट हम डिलीट करेंगे तो जमीन ऐसे ही छोड़नी पड़ेगी किसान के लिए। हमें इस क्षेत्र के बेबूदी के लिए या जल स्तर को बनाए रखने के लिए इस नहर को पुनर्जीवित रखने में सरकार को सहयोग करना चाहिए, ना कि सिंचाई के एंगल से देख करके कि भी इससे सिंचाई कम होगी, पानी महंगा पड़ेगा। आज हमारे इस क्षेत्र में कोई नहर नहीं है, पानी यहाँ से जरूर जाता है, नहरें यहाँ से जरूर निकलती हैं, लेकिन हमारे लिए वो यूजलेस है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस नहर का भले कम क्षेत्र में पानी का सिंचाई हो लेकिन जल स्तर को बना मेंटेन रखने में ये बहुत सहयोगी हो। मतलब जबरदस्त हमारे लिए ये उसने राज्यसभा के कम से कम सदस्यों को आईना दिखाने का प्रयास किया कि आप जनता के लोग नहीं हो, ना जनता आपको चाहती है। ये क्या कहें, देखिए जिस प्रकार से बेवाकी से यशवंत सिन्हा ने पार्टी के अंदर ही अपने एक्सपीरियंस को का खुलासा करते हुए कि मैंने 7 बजट पेश किए, मुझे मिलने तक का 1 वर्ष में समय नहीं मिला, क्या मैं उन लोगों से शिक्षा लूंगा जो लोग राज्यसभा में बैठे हैं? कम से कम उन्होंने अपनी मंशा दर्शाई है कि राज्यसभा में जो लोग बैठे हैं
वो लोग जनता के हितैषी है, जनता के लोग नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चला रहे हैं। राज्यसभा कितनी महत्वहीन है ये यशवंत सिन्हा के बयान से बिल्कुल बाखूबी उजागर होता है कि यहां व्हाइट स्किन के लोग जाने के बाद आज ब्लैक स्किन के लोग इस देश को चला रहे हैं। और जो लोकसभा में बैठे लोग हैं उनकी भावनाएं कितनी आहत है कि जिनको जनता चुन के भेजती है वो जीरो और चोर दरवाजे से घुसे हुए लोग हीरो।